बिहार के आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने मां सरस्वती पर की अभद्र टिप्पणी, ब्रह्मा के चरित्र पर भी उठाया सवाल, विवाद उठने पर बयान से आरजेडी ने किया किनारा। बिहार के आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के बयान पर सियासत गर्म, गिरिराज सिंह ने कहा कुरान पर बोलकर दिखाएं विपक्षी नेता, फिर पता चलेगा कि धर्म के खिलाफ बोलने पर क्या होता है। विधायक फतेह बहादुर के बयान को आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा सभी को दायरों में रहकर अभिव्यक्ति की आजादी है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के बयान पर भड़के साधु संत, सीएम नीतीश से फतेह बहादुर को बर्खास्त करने की मांग की। राजस्थान कैबिनेट का विस्तार, 22 मंत्रियों ने ली पद गोपनीयता की शपथ, 12 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह, गजेंद्र सिंह खींवसर, बाबूलाल खराड़ी कैबिनेट मंत्री बने, जोगाराम पटेल, सुरेश रावत और अविनाश गहलोत कैबिनेट मंत्री बने। एमपी में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ, सीएम मोहन यादव के पास गृह और जेल विभाग, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को वित्त मंत्रालय मिला। कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय विकास और प्रहलाद पटेल को पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय। राकेश सिंह को पीडब्ल्यूडी, राजेंद्र शुक्ल को स्वास्थ्य और तुलसी सिलावट को जल संसाधन मंत्रालय की जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा नए साल में जेडीयू पर ग्रहण लगा है, सबको पता है अध्यक्ष क्यों बदले गए। रूसी हमले के बाद यूक्रेन ने किया काउंटर अटैक, यूक्रेन ने रूस के शहर बेलगोरोड पर मिसाइल से हमला किया। बेलगोरोड पर यूक्रेनी हमले में 21 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल, रूसी रक्षा विभाग ने दावा किया। यूक्रेन ने बेलगोरोड में दागी कई मिसाइलें, यूक्रेनी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, हमले में कई इमारतें तबाह। यूक्रेनी हमले पर रूस हुआ आग बबूला, क्रेमलिन ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन ने हमले में मदद की है। रूस ने खार्किव में एक होटल को निशाना बनाया, विस्फोटक हमले में कई लोगों की मौत की खबर। बेलगोरोड हमले से बौखलाया रूस ने खार्किव, ज़ापोरिज़्या और कीव पर ध्वंसक हमला किया, सिलसिलेवार धमाकों से दहल गया कीव। रूस यूक्रेन जंग पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, अभी तक 27,390 रूसी सैनिकों की मौत, हर दिन करीब 1,000 सैनिकों की जान जा रही। रूसी एटीजीएम यूनिट की जंगी तैयारी तेज, डोनेस्क में फगोट से हमले की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया। कुप्यांस्क में रूस के जापाड ग्रुप ने बेहिसाब बमबारी के हमले के बाद यूक्रेनी फौज काफी पीछे हटी। यूक्रेनी हमले में रूस का यूराल तबाह हो गया, खेरसों हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर निशाना, कहा महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी कर रही तरह तरह के कार्यक्रम। मुस्लिम महिला सम्मेलन को लेकर शफीकुर रहमान वर्ग का बीजेपी पर निशाना, कहा यह सब बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज, केजरीवाल को ईडी की नोटिस के बाद पहली बैठक। सीएम हेमंता के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का तंज, कहा कांग्रेस में अब कोई पापी नहीं रहा, सारे पापी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी का निशाना, कहा घमंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर भी मची रार, नेताओं में जारी है जुबानी वाद। दिल्ली के उपराज्यपाल ने शिक्षा विभाग में 29 पदों की बहाली को मंजूरी दी, 6 पदों को खत्म किया। आज यूपी के वृंदावन जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, साध्वी रितंभरा के षष्ठी पूर्ति महोत्सव में होंगे शामिल। वृंदावन में षष्ठी पूर्ति महोत्सव में शामिल हुए सीएम पुष्कर धामी, कहा उत्तराखंड में जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मारे गए 3 नागरिकों के घर जा रही महबूबा मुफ्ती को पुलिस ने रोका, नाराज होकर धरने पर बैठी महबूबा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 7वीं बार भेजा समन, सूत्रों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। गाजा के खान यूनिस में हमास का बारूदी कहर, हमले में कई इजरायली टैंक हुए तबाह, आईडीएफ की कैफर ब्रिगेड को हुआ भारी नुकसान। पूर्वी यरूशलेम में आईडीएफ के साथ भीषण झड़प, हमास समर्थकों ने फायरिंग की, आईडीएफ की रेड के दौरान हुआ यह हमला। गाजा जंग पर पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा युद्ध खत्म करने का हम पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, ईरान की मदद से इसराइल पर हमले हो रहे हैं। गाजा युद्ध पर इजरायली सैनिक का बड़ा दावा, जंग में अभी तक 3,000 से ज्यादा इजरायली सैनिकों की मौत, आईडीएफ के 100 से ज्यादा टैंक, सैन्य वाहन तबाह। इसराइल ने सीरिया के अलेपो हवाई अड्डे पर फिर से हमला किया, इसराइल का दावा एयरपोर्ट को इसराइल के खिलाफ किया जा रहा इस्तेमाल। सीरिया में रात भर हुई भीषण बमबारी, हमले में हिजबुल्ला के 4 और 2 मिलिशिया के लड़ाके मारे गए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने दावा किया इसराइल की तरफ से 9 हवाई हमलों में 19 फिलिस्तीनी समर्थकों की मौत। ईरान ने हिजबुल्ला को फिर से हथियार दिया, हथियारों में रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन शामिल। सीरिया में अरब की गठबंधन सेना का हमला हुआ,
सरबिन के पास आर्टिलरी और रॉकेट से अटैक, अल नुसरा फ्रंट के ठिकानों पर भीषण हमला। रूस ने MI-28 अटैक हेलीकॉप्टर से डोनेस के कई ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया, बारूदी विध्वंस से डोनेस दहल गया। सरकारी बैंकों के प्रमुखों से मिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, साइबर सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। रेसलर विनेश फोगाट ने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाया, विनेश फोगाट ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर छोड़ा अवार्ड। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी को अपनी लिखी पुस्तक वाई भारत मैटर्स की पहली प्रति भेंट की, ट्वीट कर जताई खुशी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पटना पहुंचने पर नीतीश कुमार का जोरदार स्वागत, एयरपोर्ट पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बिहार के भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने युवक को मारा थप्पड़, युवक के परिजन की सड़क हादसे में हुई थी मौत, नाराज लोगों ने सड़क जाम किया था। एमपी के राजगढ़ में जनसभा के दौरान नाराज हुए बीजेपी नेता बनवारी सोनी, प्रशासनिक अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी। यूपी के मेरठ नगर निगम की बैठक में जमकर चले लात घूंसे, बीजेपी पार्षदों और समाजवादी पार्टी या BSP पार्षदों के बीच जमकर हुई मारपीट। अयोध्या के मीरा और सूरज मांझी को आयुष्मान कार्ड सौंपा गया, उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी है मीरा, अयोध्या दौरे के दौरान मीरा से मिले थे पीएम। साल के आखिरी दिन पीएम मोदी करेंगे मन की बात, सुबह 11 बजे रेडियो पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 साल हुए पूरे, इस अवसर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया डाक टिकट। ज़ाइपरिसिया में रशियन पैराट्रूपर्स ने बड़ा हमला किया है, बेहद ही सदे हुए कदमों से दुश्मन की तरफ बढ़ रही है रूसी सेना। रूस के Sukhoi-25 फाइटर जेट ने दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार की, डोनेस में रशियन फाइटर जेट ने S-8 रॉकेट से यूक्रेन के कई ठिकानों पर डायरेक्ट हमला किया। नेप्रो पेट्रोवस्क में हमले के बाद दहशत में है लोग, जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए स्थानीय लोग। रूसी मिसाइल हमले में कीव का स्काई लाइन काले धुएं से भर गया, रूस ने कीव के मशहूर टावर को भी आग से दहला दिया। रूस ने निप्रो के इलाके में मिसाइल से भीषण हमला किया, मिसाइल अटैक में कई इमारत कॉम्प्लेक्स जलकर खाक। कीव के शेवकिव्स्की इलाके में रूसी हमले के बाद आग लग गई, आग से कई इमारतें जलकर बर्बाद हो गई। रूसी सेना ने ओडेसा के रिहायशी इलाके को मिसाइल से निशाना बनाया, हमले में कई घरों को नुकसान हुआ है। ओडेसा के कई इलाकों में रूस का मिसाइल से हमला, हमले की तस्वीर कार में लगे कैमरे में कैद हुई। ओडेसा में रूसी आर्मी का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, अंधेरे में यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण बमबारी। रूस के बेहद तेज हमलों के बाद यूक्रेन में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, रेस्क्यू टीम ने मलबा हटाकर शख्स को जिंदा बचाया। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से अयोध्या भेजा गया 3,000 क्विंटल चावल, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बनेगा महाप्रसाद, प्रभु को लगेगा भोग। मोबाइल कंपनी वीवो के अंतरिम CEO, CFO और सलाहकार को राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 लाख के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। गुजरात के राजकोट में ड्रग्स और नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, कैफे की ड्रग डिटेक्शन मशीनों से ली गई तलाशी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 19 करोड़ रुपए की नशीली दवाइयां नष्ट की गई, प्रशासन की टीम ने नशीली दवाइयों को जलाया। यूपी के सिद्धार्थनगर में मस्जिद के अवैध निर्माण कार्य को प्रशासन ने रोका, पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी की शिकायत पर निर्माण कार्य रोका गया। मुंबई में विदेशी सिगरेट की तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़, तस्करी के जरिए लाई गई खेप को DRI अधिकारियों ने पकड़ा। पंजाब के तरनतारन में सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन बरामद, BSF और पंजाब पुलिस के साझा ऑपरेशन के दौरान मिली कामयाबी। यूपी के कन्नौज में पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव पर कसा शिकंजा, प्रशासन ने घर खाली करने का चस्पा किया नोटिस, 3 जनवरी को चल सकता है बुलडोजर। यूपी के बरेली में प्यार के लिए प्रेमिका ने बदला अपना धर्म, प्रेमी युवक राम से अपराह ने की शादी, सरकार से लगाई सुरक्षा की गुहार। बिहार के मुजफ्फरपुर में 6 महीने बाद खुली बाबा गरीबनाथ मंदिर की दान पेटी, सड़े गले निकले लाखों के नोट। रूस ने ओडेसा और कीव को दहलाने के साथ ही मिकोलाइव में भी भीषण हमला किया, आधी रात को एंटी टैंक गन से यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। यूक्रेन पर रूसी सेना क्रूज मिसाइल से हमला कर रही है, रशियन फाइटर जेट्स ने क्रूज मिसाइल दागी। रूस ने टैंक से गोले दागकर डोनेस को दहला दिया, रूस ने एडवांस रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। यूक्रेन के ओडेसा पर रशियन मिसाइल से हुए हमले, खौफनाक मंजर सामने आया, हमले के बाद कई इमारतों में आग लग गई। कीव पर रूसी मिसाइल हमले में कई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, ज़ेलेंस्की के घर के पास धमाका हुआ। रूस की मिसाइल से कीव के इलाकों में आग लग गई, इलाके में 9 लोगों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन के लवीव पर भी रूस ने आसमान से हमला किया, रूस ने लवीव के आर्मर्ड
प्लांट को निशाना बनाया, यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर। यूएस में रूसी राजदूत ने युद्ध में यूक्रेन समर्थन को लेकर अमेरिका से जताई नाराजगी। रूसी राजदूत ने कहा कि अमेरिका के बयान से यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हैंड ग्लव फैक्ट्री में देर रात लगी आग, आग से 6 लोगों की मौत। दिल्ली में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर, कनॉट प्लेस इलाके में सुरक्षा कड़ी, वाहनों के लिए जारी है तलाशी। नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला, आज रात 9 बजे के बाद राजीव चौक स्टेशन से बाहर निकलने पर रोक, यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश की रहेगी छूट। हैदराबाद में नए साल को लेकर पुलिस अलर्ट, जारी की गाइडलाइंस, उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। तमिलनाडु के मदुमलाई वन क्षेत्र में नए साल का जश्न मनाने पर प्रतिबंध, वन विभाग ने लगाया प्रतिबंध, पर्यटकों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में हिमाचल के कुफरी पहुंचे पर्यटक, बर्फबारी और आइस स्केटिंग का ले रहे आनंद। नए साल के स्वागत के लिए एमपी के पर्यटन स्थलों पर भव्य तैयारी, खजुराहो के होटल और सड़कें रंग बिरंगी रोशनी से सजी। जम्मू के गंग्याल इलाके में गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, लाखों का नुकसान, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाए गए। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के नए मामले, 24 घंटे में कोरोना के 172 नए मामले सामने आए, एक्टिव मरीजों की संख्या 620 हुई। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सिंह वाले गैंडे ने पर्यटकों के वाहन का पीछा किया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हमास के अल कसाम ब्रिगेड ने 10 इजरायली सैनिकों को मारने का दावा किया, गाजा के पास अल तुफा इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान IDF पर हमला हुआ। बाइडेन प्रशासन ने संसदीय समिति को दरकिनार करके इसराइल को हथियार बेचने के प्रस्ताव को पास कर दिया, यूएस इसराइल को $147 मिलियन के हथियार देगा। ईरान ने शाहिद ड्रोन के नए वर्जन का सफल टेस्ट करने का दावा किया, यह ड्रोन पहले से 3 से 4 गुना ज्यादा घातक है। गाजा जंग पर जापान में विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने टोक्यो में अमेरिकी दूतावास का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के खिलाफ लगाए नारे, इसराइली हमले बंद कराने की मांग की। लंदन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई, अश्वेत इरिट्रिया के प्रदर्शन के दौरान हुई है झड़प। हिंसक झड़प लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गए, मेट पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। सरकार के खिलाफ सर्बिया में विरोध तेज हो गया है, बेलग्रेड की सड़कों पर फिर से उतरे प्रदर्शनकारी, चुनाव नतीजों के खिलाफ कर रहे विरोध प्रदर्शन। यूरोप के खिलाफ ईरान की घेराबंदी, ब्रिटिश नौसेना के खिलाफ वेनेजुएला में ईरानी हथियार तैनात। वेनेजुएला में मिसाइलों से लैस जुल्फागर बोट तैनात की गई, वेनेजुएला में ड्रोन फैक्ट्री भी बना रहा ईरान।